प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। लोग दूर दूर से यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन इस बीच चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि पिछले 7 महीने में बागेश्वर धाम में आए लोगों में से 30 लोग धाम से गायब हो चुके हैं। छतरपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम के प्रति देश ही नहीं विदेशों में भी लोगों की आस्था है। यही वजह है कि यहाँ रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन इस धार्मिक स्थल के प्रति लोगों में जिस तरह से इतने कम समय में आस्था बढ़ी है, उसी तरह से यहाँ आने वाले लोगों के गुमशुदा होने के मामले भी बढ़े हैं। जानकारी के मुताबिक गड़ा गांव से 7 महीने में अलग अलग स्थानों से 30 लोग गायब हो चुके हैं। गायब होने वालों में से किसी की बेटी, किसी का बेटा या किसी के पति और किसी का पिता है। अभी तक पुलिस इसमें से 13 लोगों की तलाश कर उन्हें उनके परिजनों के पास पहुंचा चुकी है, लेकिन 17 लोग अभी भी पुलिस की डायरी में गुम है। एसपी का कहना है कि यहां लाखों लोग आते हैं, भीड़ अधिक होने की वजह से कुछ रास्ता भटक जाते हैं तो कुछ लोग मानसिक बीमारियों से पीड़ित होने की वजह से गायब हो जाते हैं। पुलिस उन्हें तलाशने में लगी है, जल्द ही सभी को ढूंढ लिया जाएगा। तो पिछले 7 महीने में करीब 30 गुमशुदगियाँ थाना बमीठा में दर्ज की गई हैं पूरे क्षेत्र की, और उसमें से करीब 13 लोगों को अभी बरामद कर दिया, पुलिस ने बरामद कर लिया है और शेष के लिए अभी प्रयास जारी हैं। कुछ एक दो प्रकरणों में ऐसा भी हुआ है कि व्यक्ति कुछ दिन घर नहीं पहुंचा, उसकी रिपोर्ट लिख दी, बाद में वो स्वयं भी घर पहुँच गया है। तो चूँकि मैंने बताया यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण ये हो रही है घटनाएँ, तो इसमें हमारा प्रयास रहता है जल्द से जल्द ढूंढना। ये गनीमत है, ये अच्छी बात है कि इसमें अपराध का अभी तक कहीं भी कोई तत्व नहीं आया है। सिंपल जितनी भी हैं ये सब गुमशुदगी हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।